स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने एपेक्स करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में मैं आज आपको एक्चुअल फॉर्म, जो वास्तविक फॉर्म है जो आपको आज भर रहे हैं बच्चे और आपसे लेके 26 तारीख तक जो लगातार भराना है वही एक्चुअल फॉर्म पहली बार सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही दिखाऊंगा आपको, और कोई नहीं, कहीं पर भी एक्चुअल फॉर्म, पुराना नहीं, 68,500 का नहीं या कोई केवल डायरेक्शन नहीं, पूरा का पूरा एक्चुअल फॉर्म जो है वो आपको इस पे देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म सबसे पहले आपको है, ताकि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले एक्चुअल आप उसे घर पे प्रैक्टिस करके देख लें कहाँ पे क्या भरना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब आपको दिखेगा। तो वो एक्चुअल फॉर्म भरने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये देखते हैं ध्यान से ज़रा। सबसे पहले आप अपने जब साइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे, तो ये साइट डालनी है upbasic.edu.board.gov.in। इस साइट को जब आप एंटर करेंगे उसमें, तो इसको एंटर करने के बाद एक पेज खुलेगा, ये फर्स्ट पेज है। इसको फर्स्ट पेज पर अगर आप ध्यान से मैं बड़ा करता हूँ तो ऊपर लिखा होगा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु, यानी कि यही वाला लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रणाली, ये दिया हुआ होगा। जब इसमें तीन स्टेप में ये है, फर्स्ट स्टेप जो है इसका क्या है, आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ध्यान रखिए ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि अगर आपको कुछ इसमें जानकारी लेनी है तो पहले वाले स्टेप वन को दबाएंगे और आपके सामने जानकारी खुल जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये वाला फर्स्ट वाला जो स्टेप है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो जानकारी जो आपको चाहिए वो जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, देखो जब आप फर्स्ट वाला खोलोगे तो ये वाला पेज दिखेगा, ये वाला पेज आपको दिखेगा इसमें, और इसमें चार चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए। पहले वाले में शासनादेश है, दूसरे वाले में जनपदवार पदों की संख्या, मतलब किस पद कितने जिले, कुछ जिले में कितने पद हैं, तीसरा है तकनीकी ऑपरेशन दिशा निर्देश, और चौथा है मार्गदर्शी, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो ये है, ये इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब वापस चलते हैं अपने उस पर, ये तो डायरेक्शन के लिए था। सेकंड वाला जो है, जो सेकंड वाला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है आपका आवेदन कैसे करें, ये सेकंड वाला है आवेदन करें। जब आपको आवेदन करना होगा तो आप इसे ही प्रेस करेंगे और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको आवेदन वाले को प्रेस करेंगे फर्स्ट में, तो आपके सामने ये निकल के आएगा, ये थर्ड पेज खुलेगा आपको, आवेदन हेतु लॉग इन करें लिखा होगा ऊपर, ये सेम है। जब आप आगे लॉग इन करेंगे तो पहले वाले में क्या करना है, रोल नंबर, फर्स्ट वाले में रोल नंबर भरना है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, मान लीजिए 2, 4, 3, 5, 6 ऐसे कुछ, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर भरना है। इसके बाद दूसरा है आपका अपनी जन्म तिथि भरें, ये खास है ध्यान रखिए गलती ना हो। जन्म तिथि में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले लिखना है ईयर, मान लीजिए 1985 ऐसे ईयर। उसके बाद आपका जो भी मंथ का कॉलम आएगा, मंथ मान लीजिए 7वां महीना है 07। उसके बाद तीसरा है डेट, डेट मान लीजिए 13 तारीख है, ये ऐसे करके आपको ये भरना है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, ये वो मोबाइल नंबर होगा जो आपने पहला सुपर टेट का फॉर्म भरते समय आपने ये वाला मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप जो भी आपको मोबाइल नंबर भरना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर 7, 3, 5, 6, 8 जो भी आपको भरना है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भरेंगे। जब आप भर लेंगे तो इसके बाद ये एक नीचे लास्ट वाले में एक कोड है, ये जो कोड है यहाँ से 83794 आपको दिख रहा है, तो आपको भी ये यहाँ पर 83794 ऐसे फिल करना है, और फिल करने के बाद ये जनरेट ओटीपी दिख रहा होगा आपको, जनरेट ओटीपी इस पे बटन को दबा देंगे। जब आप जनरेट ओटीपी बटन दबाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा फ़ोन में, और जो ओटीपी आएगा उसको लेते हुए आपका एक फॉर्म खुलेगा और वो आपसे ओटीपी मांगेगा, करेक्ट है क्या। और उस ओटीपी पर देखिए ध्यान से, ये आ गया, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको ऊपर ध्यान से दिखाता हूँ, आपको ये लिखा है, ये लिखा है अभ्यर्थ, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ, अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा जिसमें वह प्रदेश में 75 जनपदों हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण करना अनिवार्य है, ये सबसे पहली लाइन होगी इसमें। इसके बाद आप देखेंगे क्या लिखा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 का रोल नंबर, ये लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 13
ये वाली जो प्रविष्टियां हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये फील्ड आएंगी। यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा, मैंने मिटा दिया है, ध्यान रखिए, किसी स्टूडेंट का है तो ये मैंने नाम मिटा दिया है आपके लिए, उस क्योंकि वो किसी और की जानकारी है। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ माता का नाम लिखा हुआ होगा, ये भी सारे इन्फॉर्मेशन, पिताजी का नाम, जनपद, टेलीफोन नंबर, वैवाहिक स्थिति, डेट ऑफ बर्थ, लिंग और वर्ग, जो भी आपका कैटेगरी है वो, प्लस इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये विकलांगता है कि नहीं, कोई विशेष वर्ग है कि नहीं है, प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, ये सब लिखा होगा। और अगला है इसमें, नेक्स्ट पेज अगर ध्यान इसमें देखेंगे, 13वां, ये पूरी इंफॉर्मेशन फील्ड आएगी इसमें, आपकी एकेडमिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इसमें आपकी फील्ड आएगी, आपको ये भरनी नहीं है, ये सब भरी हुई आएगी। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसी बार का फॉर्म है, ये आपको जानकारी के लिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट 2019, और ये रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट है क्या। अब देखिए ध्यान से, अब 13 के बाद 14वां आपको पेज भरना है, 14th आपको कॉलम भरना है, और ये 14th कॉलम है ये शिक्षा मित्रों के लिए है, 14th कॉलम है वो शिक्षा मित्रों के लिए, क्या है जरा देख लीजिए ध्यान से। यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति तिथि से अध्ययन अध्यसतत करता कार्यरत है तो उसका विवरण यहाँ पर देना है, विवरण अपूर्ण होने की दशा में शिक्षा मित्र को दिए जाने वाला भरांक लाभ देय नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कार्यालय विद्यालय का नाम जहाँ पर आपने काम किया था, दूसरा वाला है यहाँ पे वो खंड जहाँ या नगर जहाँ पर वो है, तीसरा वाला है ये इसका कार्यालय जनपद जो भी इसका जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है, और चौथा है आपका शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति होने की तिथि, यानी कि जिस डेट को आपका नियुक्ति हुई थी, ये चारों चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वैवाहिक स्थिति, नेक्स्ट आता है आपका इसमें वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या नहीं, उसके लिए क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो आपको यस और नो में वाई और एन में लिखा हुआ होगा, वो आपको दबाना होगा, करेक्ट है क्या। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो पहचान पत्र का प्रकार, आपने क्या लगाया था, सिलेक्ट करेंगे जब आप यहाँ पर, जो ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसमें, वो आप वोटर आईडी कार्ड था, आधार कार्ड था, आपका क्या चीज़ थी वो लिखा हुआ होगा, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटो पहचान पत्र संख्या, जो भी आपका कार्ड था उसकी यहाँ पर डिटेल भरनी होगी आपको, यहाँ पर जो भी उसकी 1, 2, 3, 4 जो भी आपका उसका कोड, जो भी आपका नंबर था वो नंबर यहाँ पर उसको फिल करना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट 17वां कॉलम, वो है इंडियन नेशनैलिटी, इंडियन, ये फिल आएगी यहाँ पर, देखें ये भारतीय, ध्यान से देखें आपको ये भरनी नहीं होगी, ये भरी हुई आएगी इंडियन, ये यहाँ पर ये भरी हुई है, ध्यान से देखिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें अगला कॉलम है नेक्स्ट निवास की स्थिति, उसके लिए यहाँ पर कब से निवास है सिलेक्ट, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा, परमानेंट है टेम्परेरी सब लिखा हुआ होगा। 19वें नंबर पर वरीयता संख्या भरनी है, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, लाइन से देखो ये आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अमेठी, ऐसे करके पूरे दिख रहे होंगे, 75 के 75 दिए होंगे यहाँ पे, आपका जो मन करता है आप इसका जो कैटेगरी है 1, 2, 3, 7, 8, 5 जो भी आप भरना चाहते हैं वो आपको भरना होगा। इसके बाद ये फर्स्ट पेज हो गया, फर्स्ट पेज में ये फोटो जो जो आपको दिख रहा है, ये फोटो लगाना नहीं है, ये फोटो यहाँ पे लगा हुआ होगा, ये आपको स्कैन नहीं है, ये फोटो यहाँ पे पहले से होगा, मैंने हटा दिया है ये। देखिए अब ध्यान से अगले वाले में चलते हैं, अगले में फिर ये डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट है, इसमें भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका नंबर जो भी यहाँ भरना हो, 11, 13, 15 कोई भी नंबर आपको भरने हो, ये सारे नंबर यहाँ पर आपको भरने हैं ध्यान से। इसके बाद ऐसे ही पूरे 75 तक भर लेंगे। लास्ट में ये जो काम की चीज है, पूरी घोषणा लिखा हुआ, क्या लिखा है जरा देखो, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां मेरे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, दिख रहा होगा आपको इसी बार का है, 2019 हेतु आवेदन में की गई प्रविष्टियां एवं मूल अभिलेखों पर आधारित हैं एवं मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। मुझे
सहायक अध्याप मुझे विज्ञापन में दी गई सभी शर्तें मान्य हैं। मैं प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं सहायक अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। यदि चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधी अधिकारी को मेरा अभ्यर्थ निरस्त करने हेतु मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं में संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं, ये आपको देना होगा। यानी कि ये सब चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, करेक्ट है क्या? ये सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे सीखा जिसमें परिवर्तन हेतु मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 ऑनलाइन के समय मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियों को नियुक्ति हेतु आवेदन में विचार किए जाने पर मेरे द्वारा पूर्ण सहमति प्रदान की जाती है। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायी मेरा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक कोड दिया हुआ होगा और कोड में आप यहाँ पर एक कोड फिल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये कोड, ये वाला कोड यहीं पर फिल करना होगा और आप इसे सबमिट कर सकते हैं, करेक्ट है क्या? एक बात और बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरना चाहते हैं, पूरा ध्यान से देखिए, सब कुछ फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो यहीं पर सबसे पहले यहीं पर लिखा होगा बैक, बैक लिखा होगा यहाँ पर, ये जो मैंने लिखाया हुआ है यहीं पर, ये यहाँ पर बैक लिखा हुआ होगा तो आप बैक में जा सकते हैं। आपको अगर वो फिल नहीं करना हो तो यहाँ पर लिखा होगा बैक, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, करेक्ट है? ये फॉर्म फिल करने के बाद प्लीज ध्यान से सुनिए, अब ये पूरा फॉर्म आपने फिल कर लिया, अब आप सीधे स्टेप 3 पे जाएंगे। ये स्टेप 3 कौन सा था? ये वाला। इस स्टेप 3 में आपने जो अभी फोन नंबर और इन्फॉर्मेशन है वो सब जो भरा हुआ था उसको प्रिंट के लिए वो सब यहाँ पे डालेंगे। ये फॉर्म, ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी, जो तीनों आपका क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब इसमें डालेंगे जो आपने अभी भरा था। समझ रहे हैं आप? जो आपने अभी भरा था, कहाँ पे भरा था? यहाँ पर। ये तीनों चीज़ें, रोल नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। जब आप यहाँ भर लेंगे तो आपको इसका प्रिंट निकालना, ये प्रिंट ध्यान रखिए काउंसलिंग में आपको जमा करना होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं वो सब आपको इंग्लिश में ही भरनी है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ एक ही बार भर सकते हैं, बाद में कोई चेंज करने के चांसेस नहीं हैं। तो कृपया करके इस पूरे YouTube वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से देखें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अगले उसमें मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।